हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले पीपीएस में लेजर शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो ये देखिए, हम लेजर शिफ्टिंग के लिए स्टार्टिंग क्या है, उसमें ऑप्शन में आता है लेजर स्टेशन सेट, न्यू स्टेशन सेट। आपको ये सेटअप पूरा करना है कंप्लीट। ये अभी फेज वन फेज टू से रीडिंग अपना बैक साइड कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये देखिए उसने एंगल वगैरह बता दिया बैक साइड का जो है, उसे हमें नेक्स्ट करना है। अब जब हमने आगे जो टारगेट लगाया है नया स्टेशन, उसके कोऑर्डिनेट पड़ेगा। आप देख सकते हैं फेस टू फेस में रीडिंग लिया इसने, और अभी आपको बता देगा उसके कोऑर्डिनेट क्या है और एंगल डिस्टेंस। ये देखिए आपका इसका कोऑर्डिनेट आएगा नॉर्थिंग ईस्टिंग और लेवल। इसको हमें यही छोड़ देना है और हमें जाना है अब तो स्टेशन पर। ये हमारा जो नया स्टेशन था, इस पर हमें बैक साइड लगाया हुआ था, इसको खोल के, ये हमारा अभी टोटल स्टेशन था जो लगा हुआ था, इसे हमें खोल के आगे शिफ्ट करना है। इस साइड में हमारा जो नया स्टेशन लगाया है, और ये पीछे हमारा है बैक साइड जिससे हमें बैक किया था। आप देख सकते हो काफ़ी दूर है, 50 मीटर के आसपास में। तो अभी ये स्टेशन हम खोल लेते हैं, इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे तो ये हमने अपना टीएस, इसको हम निकालते हैं और टीएस निकाल के अपना बैक साइड लगा देंगे। ये हमने अपना बैक साइड, अब हमारा नया बैक साइड ही हो जाएगा। तो स्टेशन वायरिंग वगैरह सारा खोल के ये सही तरीके से, और अपना अब हम जाते हैं आगे, जहाँ हम टीएस लगाएंगे न्यू स्टेशन पे। तो ये आप हमारा देख सकते हैं नया टोटल स्टेशन जो हमारा, सॉरी, ये हमारा नया अपना स्टेशन हो गया लेजर शिफ्टिंग का। इसको हम प्रॉपरली तरीके से केबल टाइप से कस के बॉक्स को, पावर बॉक्स, इसको सेट कर देते हैं। ब्रैकेट अच्छे से लगाना जो हिले ना। ये देख सकते हैं इसका फेस हमने बैक साइड की तरफ कर दिया है। अभी फेस बैक साइड की तरफ ज़रूर करना है ऑटोमेटिक लेजर शिफ्टिंग में, पीपीएस में। ये आप देख सकते हैं लेजर जल रहा है। तो चलिए अब हम अपने सिस्टम के ऊपर चलते हैं अंदर, उस पर देखते हैं आगे की कार्रवाई। तो इसको हमें नेक्स्ट कर देना है, ये अपना रीडिंग ना पड़ेगा अपना, उसको कोऑर्डिनेट को स्टेशन रीडिंग लेके। स्टेशन लेवल वगैरह चेक करें, फेज वन में रीडिंग, फेज टू, और ये हमारा इसके बाद हो जाएगा, ये स्टेशन के कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, जो इसके अंदर में डाटा सेव हो गया है सारा, नए स्टेशन कोऑर्डिनेट इसमें सेव हो गए हैं। इसे हमें सेव कर देना है और अब जाना है हमें रन करना है इसको, सर्वे को। रीडिंग ले रहा है, यह है ऑटोमेटिक लेजर शिफ्टिंग। मैनुअल का भी है, तो मैनुअल में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें कोऑर्डिनेट वगैरह खुद पढ़ के डालने पड़ते हैं। इसमें है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, खाली हमें आगे अपना ब्रैकेट लगाना है, उधर टीएस से बबल करके उसके ऊपर अपना बैक साइड लगाना है, और यहाँ से टीएस इसमें जाके डायरेक्ट उसको कर देना है। तो ये देखिए अपना उसने रीडिंग ले लिया है सारा। तो अभी इसका आ जाता है, ये आ गया हमारा सर्वे, ओके। तो
आप कैसा वीडियो लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चल धन्यवाद।